कैसा लग रहा है आप लोगों का टूर? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ जी, मोमेंट आफ्ताब नहीं है यार, मेरा नाम आलोक सर। आलोक सर नहीं, सर कैमरा में जब आफ्ताब सर देखेंगे। और भाई समीर क्या हाल है? सर फन कर रहे हैं, फन फन कर रहे हैं, फन कर रहे हैं।
कैसे लग रहे हैं? सब बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है मेरे को आज पूरा। कैसे लग रहा है भाई? सर सीन बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। हरबल में पानी बहुत अच्छा है और आप बहुत जगह का नाम क्या? जगह का नाम क्या? जगह का नाम बता। हरबल। हाँ मोमिन कैसे लग रहा है? स्माइल कीजिए कैमरा में, आप स्माइल कीजिए। और भी फैजान कैसे लग रहा है? बढ़िया। सर इतनी हम खाएंगे कि जो बहुत मस्त भाई अगर गिर गई ना तो वीडियो बनेगी फिर। हम लोग हैं अहरबल, जो झरना है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये मेरे साथ है अदनान और ये है साहिल और ये लोग मुझे लेकर आए हैं। ये यहाँ के लोकल हैं, श्रीनगर से हैं बट ये इन्हें पता था। और आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है। पानी कहाँ से आ रहा है ये देखिए। और ये काफ़ी सारे लोग देखे जा सकते हैं, लोग फोटो क्लिक करवाते हैं। वहाँ से हम लोग आए हैं, उधर वो जो लोग खड़े हुए हैं वहाँ से सीढ़ियाँ थी, उधर से हमारा आना हुआ और बहुत ही खूबसूरत है। कभी आना हो तो आप लोग प्लीज ज़रूर आएँ। वो ऊपर देखिए कोई मज़ार भी है वहाँ पर, ये देखिए बेहद खूबसूरत बहुत सही जगह है सर। तो आप लोग बताइए इसके बारे में। सर इस जगह, ये जगह ही ऐसी है कि मतलब जहाँ के दिल खुश हो जाता है। अच्छा, तो जब झरने को देखे सर तो मन करता है इसी में पूछ है, लेकिन ऐसा नहीं हो, नहीं हो सकता क्योंकि बहाव बहुत तेज है। आप देख सकते हैं यहाँ से सर, ये पानी के साथ ले जाएगा, बिल्कुल सही है, पानी के साथ ले जाएगा आपको। जब भी मौका मिले आओ घूमो यहाँ पे, ऐश करो, बस मजा फन करो, यहाँ पे विजिट करो, देखो कितनी अच्छी जगह है। आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ दिल्ली से। अच्छा अच्छा अच्छा, दिल्ली से पहले बार आया? पहली बार। पहले बार आया तो ये फैमिली के साथ आया कोई? नहीं अभी तो दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ क्या लगा आपको यहाँ? खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये दुनिया किसने बनाया है? ऊपर वाले। ऊपर वाले ने। आप इसलिए तो आप गौर फिक्र करो, ये पत्थर किसने जोड़ा है? अल्लाह ने जोड़ा है। ये पानी कहाँ से आता है? ये खुदा के बनाए हुए खुदा के खजानों से आता है।
इसको गौर फिक्र करने की जरूरत आपको, ये इसलिए यहाँ पर तो नाच गाना नहीं लगाना, यहाँ पर तो अल्लाह खुदा के कृष्म को देखना है, खुदा के कृष्म। आपके जो भी आया, जो भी दुनिया में आए गायककार आया, मोहम्मद रफीक ने क्या बोला, बोला अगर खुदा महमद को पैदा न करता, खुदाई की कसम ये खुदाई नहीं होती, खुदाई की कसम ये खुदा। अगर दुनिया में आदम नहीं आता, बंदा नहीं आता, वो खुदाई कहाँ से, खुदा को कौन मानता है? कोई मानता है भगवान, कोई बोलता है कृष्ण, कोई भी मतलब अपने अपनी तरफ, कोई बोलता है भगवान है, भगवान तो होता है उस बाग का रखवाला। ऐसे खुदा को हम मानते बोलते हैं खुदा, तुम बोलते हैं मतलब कोई हिंदू बोलते हैं कृष्ण, कोई बोलता है परमात्मा। बात ये, आप तो यहाँ आए, यहाँ देख लो नज़ारा खुदा का, यहाँ देख लो कितना नज़ारा है। ये जो पहाड़ों में ये दरख्त ये लगा हुआ है, इसको किसने पानी डाला? इसने खुदा ने पानी डाला। हम तो बाग बनाते हैं उसमें पानी, फिर भी वो बाग सही नहीं होता, ये खुदा का बनाया हुआ चीज़ है। लेकिन इसी गौर फिक्र, इसको गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। आजकल तो इंसान बनाया लेकिन वो इंसानियत ख़त्म हो गया, चाहे पंजाब में चाहे कश्मीर में कोई भी मुल्क हो, आजकल तो बस जंक्शन है, एक दूसरे के लिए मारने के लिए तैयार है। मगर ये खुदा का जो बनाया हुआ, कोई इंसान, कोई मतलब कोई इंसान खुदा का बनाया तो खुदा मेहनत से बनाया, लेकिन हमारे जो नजरें हैं, हमारे जो मतलब आज का जो ज़माना है, आज के वो लड़के हैं, उसमें कोई वो जिस तरह जो पुरानों लोगों में जो पहले लोग आए थे, जो आज के हमारे 100 साल थे पहले लोग, उनमें हया था, उसमें वो पर्दा करते थे। आजकल के लड़की पर्दा नहीं करते, सही बात है ना? आप तो इसलिए यहाँ पर आया खुदा को कृष्ण देखना, हम दुनिया देखेंगे, दुनिया का नज़ारे देखेंगे, लेकिन ये तो आपको सोचना है ये दुनिया किसने बनाया, ये इसको संभाल के रखा है, दरख्त को कहाँ कर रखा, दरख्त को संभाल के कहाँ रखा है, और इस दुनिया को संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है, पानी को जिम्मेदारी आपको संभालना है। आजकल के लोग तो जो भी गंद वो पानी में डाल देते हैं, है ना? जो पुराने लोग थे वो पानी को बहुत एहतराम करते थे। हमारे कश्मीर में हिंदू लोग थे, जितने भी यहाँ चश्मे थे वो बिल्कुल उनको हिफाजत रखते थे। आज तो लोग चश्मों में जो भी गलाजत गर्मी निकलता वो पानी में डाल देता। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम लोग को है। यहाँ पर तो देखो कैसे, अगर इसमें पानी, इसमें है इन्फेक्शन? कोई इन्फेक्शन नहीं है इसमें, ना इसमें उबालने का ज़रूरत है। लेकिन जो भी यहाँ से आप नहर जाएगा, ये नहर जाती है मतलब वो गाँव में जाएगा, वहाँ से गंद गुंद वो निकलता है, वो पानी में डाल दी, इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग है। लेकिन बात है, हमको आज गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। हमारा जो परिवार है, हर बंदा, हर घर का जो मतलब आपका माँ बाप है, वो का घर का जिम्मेदार होता है, अपना बच्चों का जिम्मेदार होता है। लेकिन इसलिए आप यहाँ आया है दुनिया देखने के लिए, क्या है इधर नज़ारा, आप तो देखने नज़ारा कैसे बनाया, कैसे ये पत्थर जोड़ा खुदा ने, अल्लाह ने कैसे पत्थर जोड़ा, कहाँ से आप आया, कितना लोग यहाँ, कितने जवानों ने अपने बाजी जान को बाजी लगाया, पानी में लिखा है नाम इसका, मगर उसने खुदकुशी किया अपनी जान के साथ। क्या मुझे नहीं पता इस कहानी, मतलब जो भी कई लोग यहाँ आए हैं ना जवान, उसने छलांग मारने इसमें पानी में डाल दिया, अपने आप को खुदकुशी किया है। अच्छा। अपने आप को खुदकुशी किया, आप देखा ना लिखा हुआ अंग्रेजी में, नाम लिखा पढ़ा आप? पढ़ा कि बाप ने क्या कहते हैं, सुरक्षित नहीं है। हाँ, सुरक्षित नहीं है, मतलब आते हैं लोग। तो आजकल के जो यूथ है, आजकल की जो जवान पीढ़ी है, पीढ़ी जवान जो लोग हैं, हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं इसको? हम कहना, एक तो माँ बाप का एहतराम करो, पहले बात तो जिसने आपकी बाप और माँ का एहतराम किया, जन्नत तो
जन्नत तो लड़के को पाँव के पाँव माँ के पाँव के नीचे है। जब आप घर से जाएगा पहले अपने माँ को पूछो हमको काम है, बाप को पूछो हमको काम पर जाना है। जब आपका माँ राजी होगा, बाप राजी होगा, फिर खुदा राजी होगा, फिर भगवान राजी होगा। अगर आपका बाप या माँ नाराज हो जाएगा तो भगवान भी नाराज हो गया। यहाँ बड़ा आदमी या कोई बुजुर्ग आदमी उसके एहतराम करना चाहिए। आपने खुदा को एहतराम किया, आपने परमात्मा को एहतराम किया, किसी माँ को एहतराम किया, आपने खुदा को एहतराम किया, किसी की बेटी का पर्दा किया, आपने अपने बेटी को पर्दा किया, अपने बहन को पर्दा किया। यही तो हमारा कोई भी धर्म हो यही समझाता है। हमारा आपका धर्म चाहे हिंदू धर्म हो चाहे कोई धर्म हो, वो नहीं सिखाता आप शराब पियो, आप मतलब वो चीज़ का ब्रेन शुगर खाओ, कोई नशा वाला चीज़ खाओ, कोई कोई चाहे कुरान हो चाहे गीता हो चाहे ग्रंथ साहब हो, किसी की किताब में नहीं लिखा आप बुरा काम करो। इसलिए हम जवानों को कहते हैं, जो भी जवान हैं जहाँ भी जवान है चाहे किसी का धर्म को है, लेकिन उसको अपने माँ बाप को एहतराम करना और अपनी बुराइयों से पीछे रहना। कोई बुराई हो शराब से पीछे रहना, बुरे काम से पीछे रहना। आप कहाँ अपने बारे में कुछ बताइए ना, आप कहाँ क्या करते हैं? हम रहते हैं, हमारे गांव का नाम है जमाल हाजी पूरा के साथ रहते हैं हमारे गांव। बस कभी तो जमींदारी करता है, कभी तो हम ये दस्तकारी करता है, वो तिल्ला वेला लगाता है, शाल बनाते हैं, कढ़ाई करता हूँ शालों पर, कढ़ाई करता हूँ, समझे ना, कढ़ाई कढ़ाई समझता आप, कढ़ाई करता हूँ। पहले नंबर हमने 10 साल हमने पंजाब में काम किया, रुफू का काम, रुफू समझते हैं, हाँ 10 साल हमने किया। वो उस वक्त तो हमारा बहुत इज्जत था, आज तो कोई इज्जत नहीं रहा कश्मीरियों को पंजाब में, कोई इज्जत नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? वो झगड़ा हो गया आपस में, उधर इधर फसादा हो गया, कोई इज्जत नहीं रहा। जो पहले हमको कश्मीरी को इज्जत था पंजाब में हिंदुस्तान में, आज वो इज्जत नहीं रहे। जब हम दुकानदार के पास जाता था, दुकान पर जाता है कश्मीर से, इसी सीज़न में हम जाता है, वो अपनी दुकान को चाबी हमारे हवाले करता था। आप बिल्कुल जिम्मेदार है, दुकान का भी जिम्मेदार है, कपड़े देने हैं, ड्राई क्लीन भी करना है, वाशन भी करना है, रफू भी करना है, ये पैसा आएगा, खरीदार आएगा, उसको कपड़ा देना और पैसा लेना, वो हमारी जिम्मेदारी थी। इतना हमारा मतलब भरोसा था।